आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। शब्बीर अहमद विद्रोही राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मीडिया पर हमला करना संविधान के आजादी पर हमला करना है, देश के तमाम नागरिकों के मौलिक अधिकार पर हमला करना है, सच्चाई को छुपाने के लिए ये रास्ता बनाने का काम करना है, तो मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। इतनी निंदा करता हूँ कि निंदा करने के लिए कोई और स्थान नहीं बच सके। आगे और कुछ क्या कहा विद्रोही ने, देखे हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। आप देख रहे थे न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान की खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही, तो जो हमारे न्यूज 9 भारत के दर्शक हैं। अब आपको शब्बीर अहमद विद्रोही कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आइए ले चलते हैं सीधे इनके पास। तो सर, आज जो है आप अपने गृह जनपद बलिया दौरे पर हैं और जो है कि बलिया दौरे के दौरान आपने पत्रकारों से बातचीत करना चाहा, तो आज जो देश के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में भारत समाचार चैनल और भास्कर न्यूज़ जैसे तमाम बड़े चैनलों पर और अखबारों पर जो है उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो है कि दिन भर आईटी का छापा पड़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो एक बात आपके बात का ये कर दूँ कि मेरा भांजे का कत्ल हुआ और उसके पुछारे में मैं आया हूँ, मैं किसी दौरे पर नहीं आया हूँ। लेकिन सामाजिक आदमी जो होता है वो 24 घंटे दौरे पर रहता है, जब कोई भी समाज की बात आए तो उस पर बात करना उसका नैतिक फर्ज हो जाता है। ऐसे हालात पर जो आपने दैनिक भास्कर पर और मीडिया न्यूज़ पर जो बात करने पर आप पूछ रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि 2014 से आज तक कौन सुरक्षित है, यही तो देख लीजिए। रह गई कि इनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना ही कम है, मगर आप जानते हैं ना कि हर जगह इसने गुटबाजियों को पैदा कर दिया है और इन्होंने गुटों को इसलिए पैदा किया है कि गुट गुट में रहेंगे तो हम गुट गुट में नहीं मरेंगे, हम अपने रास्ते को बनाकर लेकर चल जाएंगे। जिस देश की राजनीतिक दल की बुनियाद ही इस बुनियाद पर डाली गई है कि देश के नागरिकों के बीच में हिंदू मुस्लिम दलित और सवर्ण और निम्न वर्ण इनके बीच के झगड़े को पैदा करके हम सरकार की कुर्सियों को हासिल करें और हम उसको इस तरह से करें कि कोई एक वर्ग को खुश रखें और बाकी वर्ग को हम नाराज करने का काम करें, तो ये तो आज आप पर है, कल किसी और पर है। और मेरा ये मानना है कि मीडिया पर हमला करना, आज़ादी पर, संविधान की आज़ादी पर हमला करना है, संविधान पर हमला करना है, देश के तमाम नागरिकों के मौलिक अधिकार पर हमला करना है, सच्चाई को छुपाने के लिए यह रास्ता बनाने का काम करना है, तो मेरे से जितना हो सकता है मैं इसकी भूरी भूरी जो है निंदा करता हूँ। इतनी निंदा करता हूँ कि निंदा करने के लिए कोई और स्थान ही न बच जाए, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि जबान को आप बंद कर रहे हैं, मुंह को बंद कर रहे हैं, बोलने से बंद कर रहे हैं, लिखने से बंद कर रहे हैं, अर्थात आप देश की आज़ादी को समापन की तरफ ले जाने का काम करते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए जिस तरीके से किसान आंदोलन पूरे देश में अभी तक जारी है और कल दिल्ली में किसानों को रोका गया और कुछ पत्रकार के जो पत्रकार की वैन थी उनको भी रोक लिया गया, वहां तक जाने नहीं दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं एक ही बात कह देना चाहता हूं आपसे साफ साफ कि हम बट गए हैं। अब आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो भी एक जीवन का आंदोलन है, पत्रकार आंदोलन होगा, बेकार आंदोलन होगा, बेरोजगार आंदोलन होगा, व्यापार आंदोलन होगा, तो ये हम बट बट जाएंगे। ये हम ये मानकर चलें कि किसान आंदोलन हो, पत्रकार आंदोलन हो, व्यवहार आंदोलन हो, विचार आंदोलन हो, यह देश को बचाने का आंदोलन है और हम सबको एकजुट होकर सरकार की तानाशाही रवैया के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करना चाहिए। और लड़ाई लड़ने के तीन तरीके होते हैं, सड़क पर, सदन पर, नहीं तो अखबार में। तो अखबार को बंद कराने के लिए हमला तो हो गया है, सड़क पर आप देख रहे हैं किसानों को आज नियर अबाउट 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उनको ये किया नहीं जा रहा है,
और सदन में विरोधी पक्ष का मान्यता तक नहीं है, तो तीनों जगह को तो उसने खाली करा दिया है, सड़क को भी खाली करा दिया, सदन को भी खाली करा दिया, अब आप पत्रकारों का जवान भी वो बंद करा देगा, तो इसमें क्या होने वाला है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनका कल स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अब पूरे देश के विपक्षी नेताओं को एकजुट होना चाहिए और हम भी जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं, और खेला हुए उनका भाषा था कि खेला हुए पूरे हिंदुस्तान में, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हर उस आंदोलन का समर्थन करता हूं जो जनता के हित में और सरकार के जुल्म करने के को रोकने के लिए हो, मगर मेरा तो एक ही अपील है कि विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। अरे आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में था, आज जो विपक्ष में है कल सत्ता में है, तो विपक्ष और सत्ता को नहीं, देश की जनता को एक हो जाना चाहिए अपने अधिकारों को पाने के लिए। नेताओं के हाथ की कठपुतली बन करके देश की जनता को नहीं चलना चाहिए, देश की जनता नेता का निर्माण करती है, और आज हम बनाए हुए चीजों के मोहताज बन करके अगर हम रहेंगे तो ये नहीं चलेगा। हमारा काम है कि देश की जनता आ जाए सड़कों पर और अपने अधिकारों की बात करे, और जो नेता जनता के विचारों के साथ जुड़े, जनता उसको अपने सीने से लगाए, और जो जनता को सताने का काम करे, जनता उनको हटाने का काम करे। यहाँ नेता के जरिए आंदोलन की बात न कीजिए, विचार को, बाजार को, व्यापार को, संस्कार को, इन सबको मिलाइए और देश की जनता को अपने अधिकार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जगाइए, आंदोलन जनमानस का बनाइए, नेताओं का आंदोलन नहीं होता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो 2022 का चुनाव जो विधानसभा का होने वाला वो बहुत करीब है, तो इस विधानसभा चुनाव पर आपकी क्या मंशा है? मेरी मंशा केवल दो लोगों से दो बात करनी है। पहली बात करनी है, मतदान है ये आपको देना है, जिसे चाहे दीजिए, बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके बोल से आपके वोट का पता तो चल ही जाता है, लेकिन दूसरे के वोट एकजुट हो जाते हैं और आप कमज़ोर हो जाते हैं। करना है वो कीजिए, मगर शोर मचा करके नहीं, ये करके नहीं, क्योंकि इस देश में वोटों की क्वालिटी बन गई है, मुस्लिम विरोधी वोट हो गया है, दलित विरोधी वोट हो चुका है, ब्राह्मण विरोधी वोट हो चुका है, फलाना विरोधी यानी जातियों के विरोध का ये वोट बन चुका है। तो मेरा कहना है कि अन्याय विरोधी वोट जब तक है तब तो अन्याय का आंदोलन करके बीच में आइए, जब जाति विरोधी वोट हो तो मुसलमान जिसके साथ जाता है, मुसलमान का दुश्मन उसे छोड़कर दूसरे के साथ जाता है, तो हमें तो यह सोच कर जाना है कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम राष्ट्र के प्रेमी हैं, और राष्ट्र बचाने के लिए लुटेरों से इस देश को बचाना है, अत्याचारों से करने वालों से, अत्याचार करने वालों से देश को बचाना है, नागरिकों को लड़ाने वालों से देश को बचाना है। तो देश को अगर बचाना है तो हमें देश की जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं उनके विपरीत हमारी भी योजना बननी चाहिए। हमें अगर सरकार को हटानी है तो खामोशी के साथ सड़कों के आंदोलन पर हम अभी कह रहे थे कि आना चाहिए, आइए, लेकिन जातीयता के आंदोलन से बाहर हो जाइए, राष्ट्रीय आंदोलन को बनाइए, जात पात कुछ नहीं, हमारा देश, हमारा संविधान। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।